आपने जब जब जादू के शो देखे होंगे आपने ये ट्रिक जरूर देखी होगी कि जादूगर अपने हाथ और पांव बांध कर उसमें लॉक लगाकर बिना चाबी के उसे खोलकर बॉक्स के बाहर आ जाता है बिना चाबी के। तो आज मैं आपको उसी तरह की एक ट्रिक दिखाने वाला हूँ। फर्क ये होगा कि मैं आपको छोटी सी ट्रिक दिखाऊंगा, क्योंकि रीजन तो ये है, पहला क्योंकि मेरे पास बड़ा सामान नहीं है जादूगरों की तरह, और ना ही अगर आप करना चाहेंगे इस ट्रिक को तो ना ही आपके पास होगा। तो मैं आपको ये ट्रिक एक छोटे तरीके से करके दिखाऊंगा, तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप तो समझदार ही हैं, आप छोटी सी ट्रिक से वो बड़ी ट्रिक कैसे होती है वो आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में एक नॉर्मल रस्सी है, देख लीजिए, कम्प्लीटली जो है वो नॉर्मल है, देख लीजिए, कहीं से भी कुछ कटा हुआ नहीं है। तो अब मैं इस रस्सी को अपने हाथ में ऐसे रखूंगा, देखिए इस तरह से, और मुट्ठी बंद कर लूंगा, और जो अंगूठे हमारे रहे ऊपर दोनों के दोनों, उस पे एक अच्छी सी टाइट वाली गांठ लगा देंगे। ठीक है, देखिए, जिससे कि जो हमारे अंगूठे है वो छूट ना पाए, देख लीजिए, जैसा कि जादूगर करते हैं वो अपने हाथ और पैर बांध लेते हैं। देखिए, अब मैं अपने अंगूठे जो वो दोनों हिला नहीं सकता, देख लीजिए, तो निकलना तो उसमें से दूर की बात है। तो अब मैं जादू वो करने वाला हूँ जैसा कि जादू करते हैं, देखिए। तो चलिए इस पे एक रुमाल रख देते हैं जिससे कि वो ट्रिक हो सके। देखिए, अब रुमाल रख दिया है इस तरह से, देख लीजिए, अब देखिए जादू हो रहा है, देखिए हाथ जो वो कम्प्लीटली बाहर आ चुका है। अब वापस डालता हूँ, देखिए मैंने उसमें गांठ छोड़ी नहीं थी, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो देख लीजिए, अब रुमाल हटा दीजिए इस पे से, देख लीजिए गांठ जो वो कम्प्लीटली वैसी ही है जैसी कि टाइट लगी हुई थी, और हमारे हाथ जो वो हिल नहीं सकते, देख लीजिए इस तरह से ज़्यादा ही टाइट है गांठ, जिससे कि हाथ जो वो निकल नहीं सकते दोनों का। तो आप वीडियो पुश करके आप ये ट्राई कर सकते हैं, किसी को कह के आप गांठ लगवा सकते हैं, और बाद में ट्राई कर सकते हैं कि इस तरह से जो अंगूठे होंगे आपके वो निकलेंगे नहीं, कितने भी ट्राई कर लीजिए। ठीक है, तो ये है ये चैलेंज, आज का चैलेंज समझिए या ट्रिक समझ लीजिए। ठीक है, तो अब मैं आपको इसके पीछे का सीक्रेट जो वो बताने वाला हूँ, उससे पहले एक बार फिर से इस पे रुमाल रख देते हैं, चलिए, और दोबारा मैं आपको एक अच्छी तरह से करके दिखा देता हूँ। देखिए, निकल नहीं सकते, पर थोड़ी सी ट्रिक करूंगा मैं यूज, देखिए यह हाथ निकल आया और यह भी निकल आया, देख लीजिए। तो यही है आज की वो ट्रिक, तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ये मैंने कैसे की, और वो बड़े जादूगर जो होते हैं वो अपने सामान से बड़े ये ट्रिक कैसे करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब मैं जो इसका सीक्रेट बताने वाला हूँ उससे समझ जाएंगे कि बड़े जादूगर ये ट्रिक कैसे कर पाते हैं। ठीक है, उसी से जो वो रिलेटेड होती है, तो देखिए इस तरह की रस्सी होती है, उसके पास जो बड़ी रस्सी होती है उस पर लॉक भी लगा सकते हैं, वैसे कुछ होता है। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, इस तरह से हाथ को रखना है, देख लीजिए इस तरह से, और जब मुट्ठी बंद करेंगे आप किसी को बोलेंगे कि अब चलिए भैया इस पे गांठ लगा दीजिए, तो क्या करना है, मुट्ठी बंद करते वक्त देखिए इस तरह से उंगली लेनी है और इतना गैप रख लेना है, देख लीजिए इस तरह से, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं गैप रख लेना है। अब चलिए इस पे गांठ लगा देते हैं, और मैं आपको तरीका जो उसका सिखा देता हूँ। देखिए, फिर से टाइट गांठ लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी टाइट हो गांठ। ठीक है, जादूगर भी वैसा ही करते हैं बिल्कुल, आपको लगता है कि वो रस्सी से बंधे हुए हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता, देख लीजिए अब क्या होता है, देखिए इस तरह से होती है, इसमें उंगली फंसी होती है ये ट्रिक के लिए। ठीक है, देख लीजिए, और जब इस पे रुमाल रखते हैं, और जादूगर तो बॉक्स में जाते हैं, ठीक है, तो वहां से कुछ करके वो बाहर निकल आते हैं, देख लीजिए इस तरह से आप सीधा ही अपना हाथ जो वो निकाल सकते हैं। तो देखने वाले को ये लगता है कि ये ट्रिक जो वो अच्छे से काम कर रही है, देख लीजिए, और वापस जब आप अपना हाथ डालेंगे तो फिर से यहाँ पे उंगली डाल लेनी है, ठीक है, और इसे इसे टाइट कर देना है, देख लीजिए, और दूसरों के आप ऐसे हाथ पे गांठ लगा के उसे बोल सकते हैं कि भैया क्या तुम छुड़ा सकते हो, तो उससे तो नहीं होगा, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, पर आपसे तो हो जाएगा क्योंकि आप ये ट्रिक जानते हैं। तो आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।